मैनपुरी के ग्राम गंगरबाला में एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। मामले की शिकायत गांव गंगरबाला निवासी कैलाश सिंह ने जिला अधिकारी से की थी, जिस पर जिला अधिकारी के आदेश से एसडीएम ने जांच कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। वहीं प्रशासन ने नायब तहसीलदार सोनू बघेल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की। इस मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। का घाटा है जी। और यहाँ पर ये ग्राम समाज का बंजरा नाली के नाम है जी, जिसमें एक व्यक्ति दीपक कुमार पुत्र शिवराज इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था जी। और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि उनको किसी और घाटा बनाना था, गलती से ग्राम समाज से होकर ये बिल्डिंग खड़ी कर ली है। ये बिल्डिंग जो बनी थी कितनी जगह में बनी थी? लगभग 15-20 डेढ़ बीघे के करीब ये बिल्डिंग बनी थी जी। और उनको 15-20 दिन का समय दिया गया था स्वच्छ हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया।